अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो साइकोलॉजी का टॉपिक है एंड द टॉपिक नेम इज गिफ्टेडनेस या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये जो टॉपिक है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैदागॉजी के अंदर आता है। जनरली ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर फॉलो होता है। तो इसको लर्न करने का एक बहुत ही ईजी तरीका आज हम करने जाएंगे। आप इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए और लर्न आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन गिफ्टेड चाइल्ड की। सो एनी चाइल्ड हु इज नेचुरली एंडोर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। एंडोर्ड का मतलब जिसको कुछ बख्श मिली हो, भगवान से कुछ एक गिफ्ट की तरह मिला हो। तो कोई बच्चा जिसको एक गिफ्ट की तरह एक एबिलिटी मिली है, कौन सी एबिलिटी की बात कर रहे हैं? हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, उसका दिमाग आम बच्चों से तेज हो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन स्पेसिफिक स्पेस ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, जैसे हम कहते हैं कि कोई गेम खेलनी है या फिर कुछ काम करना है, जैसे कि टेबल राइटिंग करनी है। आपने बच्चे को बस एक बार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसे कि टू का टेबल बन रहा है, उसमें टू को टू में ऐड करो तो फोर बन जाएगा, फिर उसमें फिर टू ऐड करो तो सिक्स बन जाएगा। ये चीज अगर आपने बच्चे को एक बार सिखा दी तो अगली बार उसको बताया कि थ्री का टेबल बनाओ, वो थ्री के अंदर थ्री जोड़ेगा सिक्स, फिर उसके अंदर थ्री जोड़ेगा नाइन, तो इस तरीके से वो टेबल बना लेगा। तो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आम से ज्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा एबिलिटी काबिलियत जो मिल जाए इन अ स्पेसिफिक स्पेस, किसी एक चीज के अंदर या एक से ज्यादा चीज के अंदर या फिर नॉलेज के अंदर। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे को एक बार आपने कुछ बताया वो समझ गया, उससे बार बार पूछा उसने सही आंसर्स दे दिए। तो इसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है गिफ्टेडनेस, इसका क्या मतलब होता है? एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन ए वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज। तो जब हम गिफ्टेडनेस की बात करते हैं वो इसी डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है, एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही अलग, ये एकदम यूनिक, जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। सुपीरियर परफॉर्म करने के लिए किसी काम को करना है और किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि बच्चे को पेपर कटिंग सिखा दी, तो एक तो बच्चा सीजर से पेपर कटिंग कर रहा है, कुछ टेढ़ा कट कर दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा कट कर दिया, है ना? बट वो नहीं, अगर आपने उसको सिखाया कि सीधा कैसे कट करना है और वो बिल्कुल स्ट्रेट कट कर पा रहा है, तो ऐसी एबिलिटीज को हम एक्सेप्शनल एबिलिटीज बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये टैलेंट बच्चे के अंदर गिफ्टेड है। अब गिफ्टेडनेस को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो ये तीन पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। सो गिफ्टेडनेस क्या होती है? ये एक्चुअल में सबसे पहले तो एक हाई एबिलिटी है कि काबिलियत ही बहुत ज्यादा है बच्चे के अंदर। सेकेंडली हाई क्रिएटिविटी कि आइडियाज बहुत क्रिएटिव हैं, वो एक से ज्यादा चीजों को यूज कर रहा है और जो चीजें हमने सोची भी नहीं उस टाइप की चीजों को यूज करके वो उस काम को कंप्लीट कर रहा है। एंड लास्टली हाई कमिटमेंट, आपने बच्चे को एक बार बोल दिया कि बेटा यू हैव टू डू दिस एंड वो बच्चा वही काम कर रहा है। जैसे आपने बच्चे को बोल दिया कि मैं अभी रूम से 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ एंड यू हैव टू डू दिस वर्क, आपने उसको 10 फिल्ups डाल दिए कि मेरे आने तक ये 10 के 10 फिल्ups कर दो और वो बच्चा आपके आने तक सारा काम कर दे, उसका मतलब है हाई कमिटमेंट। जो आपने उसके साथ या उसने आपके साथ कमिट किया वो उसने सारा काम कर दिया। तो ये तीनों चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं गिफ्टेडनेस। वो चाइल्ड गिफ्टेड होते हैं जिनके पास ये तीनों कैपेबिलिटीज है, हाई कमिटमेंट जो एक बार बोल दिया वो करेंगे ही करेंगे, हाई क्रिएटिविटी जो काम आपने बता दिया उसको करने के अलग अलग तरीके से, इतने अलग और डिफरेंट तरीके से वो करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये कैसे कर दिया इसने और कितने अच्छे तरीके से किया। और लास्ट में आता है हाई एबिलिटी कि उन काम को करने के लिए उनकी क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ये जो काबिलियत है ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं होती है, जैसे अगर पढ़ाई में तो है ही है ऑलरेडी, आपने बोल दिया देयर इज अ स्टूडेंट हु इज एबल टू डू सम टास्क, कोई स्टूडेंट है वो कोई काम कर लेता है बड़े अच्छे तरीके से, आप बोल दोगे ये गिफ्टेड चाइल्ड है, इसको थोड़ा सा बताया था इसने ऑटोमेटिकली अपनी क्रिएटिविटी डाल दी उसके अंदर, एबिलिटी अपनी काबिलियत डाल दी और उसको जो काम कहा था उसने उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट कर दी। इसके बाद एक नई चीज सामने आती है कि गिफ्टेड एथलीट्स शो सुपीरियर साइकोमोटर स्किल्स। अब गिफ्टेडनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस मामले में नहीं है कि आप बोलेंगे कि ये पढ़ाई के मामले में तेज है, अगर कोई एथलीट है जो गिफ्टेड एथलीट है तो उसके साइको मोटर स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे। मतलब आप मानोगे कि दो दो महीने का बच्चा जैसे कोई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो तो उसकी आईज उस ऑब्जेक्ट को देख रही है,
यहाँ अगर आप उसके राइट हैंड के पास कोई चीज कर दोगे तो वो उसको पकड़ लेगा। जनरली ये चीजें क्या होती है, ये 3 से 4 महीने का बच्चा करता है, बट अगर 2 महीने का बच्चा ये कर पा रहा है तो आप क्या बोलोगे, उसके अंदर हाई एबिलिटी है। और IQ जो कि इंटेलिजेंस कोशेंट है, इसके मामले में अगर आप इसको मेजर करोगे तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो उनका IQ 130 से ज्यादा होता है। तो जनरली छोटे बच्चे का तो हम नहीं देख पा रहे IQ लेवल, ये बाद में पता लगेगा, बट स्टिल ये कंसिडर किया जाता है कि जो गिफ्टेड गिफ्टेडनेस है या फिर जो गिफ्टेड चाइल्ड है तो उनका IQ जनरली 130 से ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, कि क्या लक्षण होते हैं जहां से हमें पता लगता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो है एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये थोड़े बड़े बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ 5-6 साल के बच्चे हैं तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज नजर आने लग जाती है। सबसे पहली कैपेबिलिटी है लॉजिकल थिंकिंग। ऐसे केसेस में स्टूडेंट क्या होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग में वो कुछ लॉजिक्स लगाते हैं। जैसे आप उनको बताते हो कि आपने बोल दिया देयर आर टू फ्रूट्स, एक ग्रेप है एक एप्पल है, तो एप्पल का साइज बड़ा है ग्रेप का साइज छोटा है। एंड अगर आपने उनको बोला कि मैं पॉकेट में डालना चाहता हूँ एक फ्रूट को, तो मैं कौन सा फ्रूट इजीली डाल पाऊंगा, उस स्टूडेंट को पता होता है, उन बच्चों को पता होता है कि ग्रेप का साइज छोटा है, वो पॉकेट के अंदर मैं आसानी से डाल सकता हूँ। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग करते हैं वो बच्चे, वो आपसे हर चीज पूछेंगे, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है। ऐसे बच्चे जो क्वेश्चनिंग ज्यादा पूछते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, वो गिफ्टेड होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, उनको मजा आता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में क्या होता है, एग्जाम्पल ले कि अगर 6 या 7 साल का बच्चा है तो आपने उसको बोल दिया कि मैंने ना किसी का फोन नंबर नोट करना है, तो मैं कहाँ पे नोट करूं, अगर आप उससे पूछोगे ना तो वो आपको बता देगा एक पेन और पेपर ले लो उससे नोट कर लो। सो दिस इज द वे वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इस तरह की कैपेबिलिटीज को समझने के लिए कुछ हम बेसिक्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्लासेस के अंदर ना एडिशन सिखा देते हैं फिंगर्स के ऊपर, तो बच्चों को पता होता है कि अगर मैंने दिस इज 1 2 3, अगर आप उस बच्चे से पूछोगे 3 + 2, वो ऑटोमेटिकली अपनी फिंगर्स पे करेगा 1 2 3, फिर उसके बाद 2 ऐड कर देगा 1 2, फिर उसको काउंट कर लेगा 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर आपको बता देगा। इसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट प्रोसेस करते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन की एक और खूबी हमारे सामने आती है, दैट इज सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है कि वो धारणा बना लेते हैं बच्चे, जैसे हमने बच्चों को बता दिया कि बेटा जो लड़कियां होती हैं वो टॉयज सॉफ्ट टॉयज से खेलना पसंद करती हैं, तो वो कंसिडर कर लेते हैं कि ऑल द गर्ल्स लव टू प्ले विद द सॉफ्ट टॉयज, उनको सॉफ्ट टॉयज अच्छे लगते हैं। एंड सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अगर आपने उसको बोल दिया कि यहाँ पे दो चीजें पड़ी हैं, है ना, जैसे वो फिर वही एग्जाम्पल आ गई एक ग्रेप और एक एप्पल, आपने उसको बोल दिया अगर आपने जल्दी इसको खाना है तो आप कौन सी चीज खा पाओगे, तो उसको पता है कि ग्रेप छोटा है, इसको खाने के लिए कम एफर्ट लगेगा, साइज भी छोटा है, टाइम भी कम लगेगा और इसको मैं आसानी से खा भी लूंगा, तो वो कंसिडर करने लग जाता है, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाता है कि कौन सी कैटेगरी में जाने पे मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा और कौन सी कैटेगरी में जाने पे मेरे को कम बेनिफिट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, दैट इज एडवांस्ड लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव तो है ही है, वो ओरिजिनल होती है, वो किसी का आइडिया कॉपी पेस्ट नहीं करते, उनके अपने खुद के आइडियाज होते हैं जिसके अंदर वो अपने लॉजिक्स लगा के उस किसी चीज का सॉल्यूशन देते हैं या किसी चीज का आंसर दे देते हैं। तो जैसे आपने उनको बोल दिया कि अगर मेरे को एप्पल को कट करना है स्टार की शेप के अंदर, तो वो आपको कुछ अलग से कॉन्सेप्ट दे देंगे, जैसे कि वो आपको ये बता सकते हैं कि पहले मैं एप्पल के ऊपर नाइफ को स्टार की शेप के अंदर ड्रॉ कर लूंगा, कट कट करके ड्रॉ हो जाएगा, फिर उसको मैं डीप कट दे दूंगा और स्टार की शेप के अंदर एप्पल कट हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक मोटिवेशन होती है जो अंदर से होती है, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं, आप गार्डनिंग करते हो आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो आपकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, कि हम बोलते हैं जैसे अंदर से आपको कुछ मोटिवेट कर रहा है कि हाँ यार मैं ये काम करूँ, इसको कंप्लीट करूँ, कितना मजा आएगा, इसको मैं इंजॉय करूंगा। एंड सेल्फ एस्टीम यानी कि स्वाभिमानता, तो उनकी वो बहुत ही स्वाभिमान होते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी बोल दिया ना कि ओए तू इधर आ,
तो वो बोलेगा आपको कि ये मेरे को आपने ऐसे क्यों बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को हर्ट हुआ, आपने मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा होती है। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग के अंदर क्या है, वो अपना अलग से सोचना पसंद करते हैं, तो वो बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा, पहले मैं खुद खेलूंगा, डाइस फेंकूंगा, पहले मैं एक चाल खुद चलूंगा, फिर डाइस फेंकूंगा, फिर मैं दूसरी चाल भी करूंगा, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग। नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग में क्या होता है कि कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि लूडो के अंदर अगर आप सांप के पास आपकी गीटी आ जाए तो वो सांप उसको कट कर देगा एंड आपका जो गीटी वो नीचे चली जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मर्जी से खेलते हैं। वो कभी बोलते हैं कि सांप की पूंछ से गीटी लेके मैं ऊपर चला जाऊंगा, कभी ऊपर से नीचे ले आऊंगा, या फिर ऐसे सीढ़ियों में भी कुछ वो ऊपर से नीचे, या रास्ते में कभी रोक ली सीढ़ी, तो ऐसा कुछ करने लग जाते हैं। जनरली इसको हम बोलते हैं कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट, किसी चीज को कन्फॉर्म नहीं करते, वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, ऐसी थिंकिंग जो रूल्स को फॉलो नहीं करती। और जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आ गया वो है प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ये सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, 5 साल का बच्चा है, उसको सेंटेंस राइटिंग स्कूल में सिखा दी, आपने उसको बोला बेटा राइट द एसे ऑफ माई फादर, तो जब भी वो ऐसे लिखेगा ना तो वो कहेगा कि मेरे को मत बताओ क्या लिखना, आई विल राइट डाउन माई सेल्फ। आप उसको बोलोगे बेटा ये फर्स्ट सेंटेंस है ऐसे का, ये सेकंड सेंटेंस है, ये थर्ड है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे अपने आप करने दो। जब आपने छोटे बच्चों में ये भी देखा होगा कि कभी आप कुछ काम करते हो तो वो बोलते हैं कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। सो दिस इज सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज। तो जब ये एक्टिविटीज एकेडमिक यानी कि पढ़ाई के साथ रिलेट हो जाती है तो ये एकेडमिक एक्टिविटीज हो जाती है, एंड उनको वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक करना चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा टाइम तक। जैसे हम बोलते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि पढ़ाकू बच्चा है, उसको कॉपी और पेन दे दिया, वो कॉपी और पेन से कुछ ना कुछ लिखी जा रहा है, सारा दिन सेंटेंसेस लिखी जा रहा है, कभी कुछ लिख देता कभी कुछ लिख देता, वो किसी की असिस्टेंस नहीं लेता, किसी की हेल्प नहीं लेता, वो खुद ही लिखेगा अपनी मर्जी से। अब जब हमने इतनी बात कर ली है तो इसके साथ साइकोलॉजी के अंदर एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है लेविस मेडिसन टर्मन, इनके साथ ये कॉन्सेप्ट रिलेट होते हैं गिफ्टेडनेस के, तो इनकी भी हम थोड़ी डिटेल इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। सो हु वॉज लेविस मेडिसन टर्मन, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ रिसर्च की साइकोलॉजी के ऊपर। ये सबसे ज्यादा मशहूर तब हुए जब इन्होंने द जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द जीनियस दी 1921 के अंदर। तो उस स्टडी के अंदर क्या था, जनरली वहां उस समय में कुछ ज्यादा डेटाबेस भी नहीं थे, कुछ ज्यादा रूल्स भी नहीं थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1500 से ज्यादा गिफ्टेड बच्चों को समझा, उनके ऊपर एनालिसिस किया, उनके बिहेवियर को लर्न किया, रीड किया, और जिनके IQ लेवल 140 एंड अबव था। तो यहाँ से ये फेमस हो जाते हैं। लेविस टर्मन ने एक और चीज भी ढूंढी थी, उन्होंने कहा कि ग्रेटर ड्राइव टू अचीव। जब उन्होंने पाया तो देखा कि कुछ बच्चे हैं जो स्पेसिफिक मेंटल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ ज्यादा काम करना चाहते हैं। जैसे कि सोशल एडजस्टमेंट की एग्जाम्पल दे देते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमने एक ग्रुप बना दिया कि 5 बच्चों का ग्रुप बन गया, ये एक सोशल एडजस्टमेंट दे दी, और इस ग्रुप के अंदर हमने उनको बोला कि आप सबने 10 क्लैप्स करनी है, तो जो बच्चा सबसे पहले 10 क्लैप्स करेगा उसको प्राइज मिलेगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर ग्रेटर ड्राइव टू अचीव होता है कि वो चाहते हैं कि सबसे पहले मैं 10 क्लैपिंग करूंगा और मेरे को वो गिफ्ट मिल जाएगा, या फिर ये फिर स्पेसिफिक मेंटल कंडीशन भी हो गई। आपने क्या किया, कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स दे दिए, जैसे कि एडिशन के कुछ सम्स दे दिए, 5 सम दे दिए एडिशन के, आपने बोल दिया कि जो बच्चा सबसे पहले एडिशन करेगा उसको एक प्राइज मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी एक मेंटल कैपेबिलिटी होती है कि हम ये चीजें पहले करें, ग्रेटर ड्राइव टू अचीव, इन चीजों को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है कि मैं सबसे पहले कंप्लीट करूंगा काम। लेविस ने एक टर्म को भी फाइंड आउट किया, वो टर्म थी एसिंक्रोनी। तो ये क्या थी ये टर्म, ये यूज की जाती थी मेजर करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज इन गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन थे उनके अंदर कौन सी मानसिक खूबियां हैं, कौन सी सोशल खूबियां हैं, या फिर कौन सी इमोशनल खूबियां हैं, है ना, तो ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाई थी एसिंक्रोनी। इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। लेविस के बारे में एक और चीज
फेमस होती है कि वो कहते हैं कि अलोन आईक्यू स्कोर कैन नॉट टेल अबाउट द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चाइल्ड। सिर्फ आईक्यू लेवल यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट से हमें नहीं पता लगेगा कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है एक्चुअल में। उनका कहना ये भी था कि ज्यादा क्रिएटिव बच्चों से भी अच्छे सोल्यूशन मिल सकते हैं किसी प्रॉब्लम के, और कम क्रिएटिव बच्चों से भी अच्छे सोल्यूशन मिल सकते हैं। इसलिए जो आईक्यू लेवल है या फिर आईक्यू स्कोर है वो अकेला काफी नहीं है कि ये बताने के लिए कि कौन बच्चा असल में इंटेलिजेंट है या नहीं है। इनका ये भी एक मानना था कि जेनेटिक्स हैं जो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर कोई बच्चा गिफ्टेड कैपेबिलिटीज के साथ है तो उसके माँ बाप के अंदर स्वाभाविक है कि वो भी काफी हद तक इंटेलिजेंट होंगे। तो इंटेलिजेंट माँ बाप का ही बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ये उनका मानना था। इसके बाद वो क्या कंसिडर करते थे, डिफरेंट आईक्यूज सूटेबल फॉर डिफरेंट करियर्स, ये कॉन्सेप्ट दिया टर्मन ने। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कुछ आईक्यू लेवल के आईक्यू की ग्रुपिंग आ जाए तो हम उसके साथ ये भी बता सकते हैं कि बच्चा क्या करियर परस्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहते थे कि जो डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। कि कुछ बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कम है जैसे कि अराउंड 70-80 है, तो वो कुछ ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती, जो हाथों से होती है ना, जैसे कि सोल्जर्स हो गए हैं या फिर कुछ ऐसा काम। एक कॉन्सेप्ट और दिया टर्मन ने, उन्होंने ये बताया कि जो हाई आईक्यू है वो हमेशा ये नहीं होता कि उस बच्चे के अंदर हाई क्रिएटिविटी भी हो। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल कम हो पर उसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा हो, तो ये चीज भी टर्मन ने ही प्रपोज की थी। इसके बाद टर्मन ने बताया कि अगर आपके पास गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उनकी एडुकेशन कैसे होनी चाहिए। उनकी एडुकेशन के लिए उन्होंने तीन मेन तरीके बताए गए। सबसे पहला तरीका टर्मन ने बताया एक्सेलरेशन, चाइल्ड इज अलाउड टू लर्न एट रैपिड पेस। बच्चे को खुली छुट्टी दे दी जाती है कि आप अपनी बुक्स में से जितना मर्जी तेज पढ़ लो। जैसे क्लासेस में क्या हो रहा है, एक क्लास के अंदर एक 10 चैप्टर्स लग गए एक सब्जेक्ट के अंदर, तो पहले सभी बच्चे चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अगले कुछ दिनों के बाद सभी बच्चे चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। पर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है उनमें क्या होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है आप अपनी मर्जी से पढ़ लो, अगर आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया तो उसके बाद इमीडिएटली आप चैप्टर 2 स्टार्ट कर लो, बाकी स्टूडेंट्स की वेट मत करो। और इज प्रमोटेड रैपिडली थ्रू ग्रेड्स, या फिर उसमें क्या होता है बच्चे को ग्रेड्स ज्यादा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे 2 क्लासेस एक साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों की एडमिशन होती है जैसे स्कूल के अंदर, तो उनकी नर्सरी के अंदर या फिर नर्सरी और LKG या फिर LKG या UKG ऐसे जो क्लासेस होती हैं उनको वो दो दो कंबाइन करके फटाफट कर लेते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज होती है। तो उस तरीके की जो एडुकेशन फैसिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड वे ऑफ लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए यूज हो रही है वो है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट के अंदर क्या होता है, चाइल्ड इज अलाउड टू लर्न विद यूजुअल ग्रेड्स एंड यूजुअल पेस। जो लर्निंग का ग्रेड है, जो क्लास के अंदर जो स्पीड से पढ़ाया जा रहा है वो स्पीड तो सेम ही रहती है, मतलब सारी क्लास के बच्चे एक ही टाइम पे चैप्टर 1 पढ़ेंगे, उसके बाद सारी क्लास के बच्चे एक ही टाइम पे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसमें ये जो पेस होती है स्पीड ऑफ लर्निंग इसको चेंज नहीं किया जाता एंड ना ही उनको कुछ एक्स्ट्रा ग्रेड्स दिए जाते हैं, बट विद एडिशनल करिकुलम हैविंग कल्चरल एक्टिविटीज। तो ऐसे बच्चों को क्या देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस दे देते हैं जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं और वो एक्टिविटीज हेल्प करती हैं उस टाइम को कवर करने के लिए, बिकॉज वो फास्ट लर्नर्स हैं, वो थोड़े से टाइम में ज्यादा लर्न कर लेते हैं तो वो तो जल्दी फ्री हो जाएंगे बाकी क्लास से। बाकी क्लास अभी मान लो चैप्टर नंबर 8 और 9 और 10 करने वाली है, पर जो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है ये ऑलरेडी तब तक सारा कुछ खत्म कर लेंगे, इसलिए उनको क्या किया जाता है, एडिशनल करिकुलम दिया जाता है। तो जहाँ पे पेस और ग्रेड्स सेम रहते हैं और एडिशनल करिकुलम दिया जाता है तो इस टाइप की लर्निंग को हम बोलते हैं एनरिच। और जो लास्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि रेगुलर क्लासेस के अंदर बच्चे को या तो एक्सेलरेटेड या एनरिच इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट अलग से लगा के उनको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास है उसके अंदर 10 स्टूडेंट है, 2 बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो 8 जो स्टूडेंट है उनको रेगुलर करिकुलम रेगुलर पेस से पढ़ाया जाएगा, एंड जो 2 बच्चे हैं उनको शायद या तो किसी को एडिशनल करिकुलम दे दिया जाए यानी कि एनरिचमेंट के साथ पढ़ाया जाए, या फिर जो दूसरा बच्चा है उसको एक्सेलरेटेड लर्निंग दे दे, उसको टीचर बोल दे कि ठीक है भाई तू कर ले फटाफट,
अपनी पेस के साथ, अपनी स्पीड के साथ फटाफट पढ़ ले। तो ये तीन जो मेथड हैं ये अवेलेबल आते हैं ये गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के तरीके। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव में, सी टेट जैसे एग्जामिनेशन। अब इस स्लाइड के अंदर हम करेंगे रोल ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासेस। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल स्कूल एंड क्लासेस है उसका क्या रोल है साइकोलॉजी के अंदर। तो ऐसे जो स्पेशल स्कूल्स हैं या फिर क्लासेस हैं वो सबसे पहले किसको हेल्प करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन को, टू प्रोग्रेस एट एन एक्सेलरेटेड पेस, नॉर्मल से ज्यादा स्पीड के ऊपर जब उन्होंने पढ़ना है उसके अंदर उसको हेल्प करते हैं ये स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासेस। अब इनके अंदर क्या होता है, तो इन स्कूल्स और क्लासेस के अंदर क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन मेथड एंड मटीरियल्स कैन बी अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द ईच स्टूडेंट। जो पढ़ाने का तरीका है उनका मटीरियल या इंस्ट्रक्शन या फिर मेथड है उसको चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज करते हैं, वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन की नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फास्ट लर्नर्स हैं, बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, क्रिएटिविटी हाई होती है, एबिलिटी हाई होती है, कमिटमेंट हाई होती है। तो इस केसेस में क्या होता है, द बिकॉज द चिल्ड्रन वर्क एंड स्टडी विद अदर्स हु आर ब्राइट। अब क्या है कि अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ेंगे तो उनको ये लगेगा कि हम बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको अलग से निकाल के स्पेशल स्कूल या फिर स्पेशल क्लासेस के अंदर डाल देते हैं, वहां पे उनके जैसे ही ब्राइट बच्चे होते हैं एंड उनके साथ जब वो काम करते हैं तो वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अपना बेस्ट एफर्ट करने के लिए, बिकॉज उनके अंदर एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है और वो सब बच्चे एक साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करके और भी अच्छा काम करने लग जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन टुगेदर इज मोर बेनिफिशियल एज देयर इज नो हार्म टू द एवरेज चिल्ड्रन। अब जब आपने ग्रुपिंग कर दी गिफ्टेड चिल्ड्रन की तो वो सभी अच्छे IQ लेवल वाले स्टूडेंट हैं, वो जब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो इससे क्या है, हार्म नहीं है एवरेज चिल्ड्रन, जो एवरेज कम स्पीड पे लर्न करने वाले, नॉर्मल स्पीड पे लर्न करने वाले बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई हार्म नहीं है, क्योंकि ये अलग हो गए हैं, वो अपनी पेस पे चलते रहेंगे, ये अपनी पेस पे चलते रहेंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग आना था, ग्रुपिंग ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प टू अचीव हायर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एक तो उनके अंदर इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलेक्ट लेवल दिमागी डेवलपमेंट हाई होती है देन एनरिचमेंट अलोन। अगर आप इनरिचमेंट करोगे जिसके अंदर आप सप्लीमेंट्री दे रहे हो मटेरियल, उस अकेले उस तरीके से ज्यादा ये स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासेस ज्यादा हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द साइकोलॉजी क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।